आप लोगों के मन में अगर ऐसा सवाल है, नए YouTube चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो एज ए क्रिएटर मैं अपने 7 साल के YouTube एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरा इस नए चैनल के ऊपर कुछ चीजें आपको आज बताने वाला हूं, जो देखने के बाद आपके दिमाग से ये जो सवाल है ये पूरी तरीके से निकल जाएंगे। तो हेलो क्रिएटर्स, आप सभी देख रहे हैं रॉनी फॉर यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लोग बात करते हैं यूट्यूब टिप्स, ट्रिक्स, न्यूज, अपडेट, लीक्स एंड पॉलिसीज के बारे में, और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह रॉनी स्टार। देखिए, अगर आप ऐसे टॉपिक को लेकर सर्च करते हैं YouTube चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, तो आपको सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा, आपको YouTube के बारे में पूरा नॉलेज अभी तक नहीं है। क्योंकि YouTube के ऊपर हम आते हैं क्यों? हमारे वीडियो के ऊपर व्यूज आए, या फिर हम फेमस हो जाए, या फिर हम खूब सारा पैसे कमाएं, यही 2-3 रीजन होते हैं। लेकिन अगर आपके चैनल के ऊपर मानो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, लेकिन आप जब वीडियो छोड़ते हैं उसके ऊपर 10-15-30 व्यूज आते हैं, तो उसमें क्या फायदा? आपको कोई पहचानेगा भी नहीं, या फिर आपकी कोई इनकम भी नहीं होगा। देखिए, आपको ज्यादा नहीं घुमाएंगे, जितना भी सच है वो ही आपको बताएंगे। अगर मैं चाहता आपको मोटिवेट करके, कुछ तगड़ा तगड़ा बात बता के, बड़ा बड़ा बात बता के आपको मोटिवेट कर देता, आप मुझे लाइक करते, सब्सक्राइब करते, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो सच है उसका सामना आप नहीं करते। तो अगर आप ऐसे कुछ ढूंढ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, या फिर कुछ को लोगों को पैसे दी है कुन चैनल को, मतलब प्रमोशन करने के लिए उनको सुपर चैट करते हैं, या फिर लाइव स्ट्रीम पे जाके बोलते हैं कि भाई मुझे प्रमोशन कर दो, या फिर कुछ भी करते हैं, मतलब जो ट्रिक्स है ऐसे ट्रिक्स अपनाते हैं, इससे आपके खुद का ही नुकसान कर रहे हो। एक, आपके टाइम की बर्बादी कर रहे हो, दूसरा आपके पैसे की बर्बादी कर रहे हो, तीसरा आप जो चैनल बनाए हैं उस चैनल का ग्रोथ को पूरी तरीके से, मतलब ग्रो होने से पहले उसको जड़ से निकाल रहे हो। देखिए, YouTube, वेबसाइट, ब्लॉगिंग जो लोग करते हैं एडसेंस के जरिए से जो पैसे कमाते हैं, ये मोटा रकम होते हैं, 1-200 की बात नहीं है, यहाँ पर लाखों में बात होते हैं, लाखों रुपया में बात होते हैं। तो जो लोग सचमुच कमाते हैं वो लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि ट्रिक लगाए। ये दोनों चीज, ब्लॉगिंग, यूट्यूबर, ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों लाइन लॉन्ग टर्म जर्नी। अगर आपके किस्मत अच्छा है, दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी ग्रो हो सकते हैं, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है और आपके ये नसीब है, तो आप दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं, पैसे खूब सारा कमा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हर कोई कमा पाएगा। हर कोई जो है, हर कोई नया क्रिएटर यहाँ पे आते हैं, उनको यहाँ पे टाइम देना होगा। और सब्सक्राइबर्स की बात रहे, अगर आप सब्सक्राइबर ढूंढते फिर रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा वो छोड़ दो भाई। सब्सक्राइबर एक ऐसी चीज है, एक टाइम आएगा जब आपके चैनल के ऊपर दिन में 1000-1000 सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे। ये सच्चाई है, ये कोई झूठ मूठ का सहारा मैं आपको नहीं दे रहा हूं। आज के तारीख में अगर आप अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करोगे, मतलब आप जो कंटेंट बना रहे हैं, आप बना के छोड़ दो, बस देखो मत, उसके ऊपर व्यूज आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा। मेरा ये चैनल भी आपके लिए प्रूफ है। हालांकि इसके ऊपर जो ऑडियंस मेरे चैनल के ऊपर आ गए हैं वो यूट्यूबर नहीं है, यूट्यूब कंटेंट के रिलेटेड नहीं है। मेरा जो वीडियो इसके ऊपर वायरल हो गया था वो अलग टॉपिक के हैं, इसी वजह से मेरे चैनल के ऊपर अलग ऑडियंस है, तो इसी वजह से मेरे चैनल के ऊपर व्यूज नहीं आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं मैं इस चैनल को छोड़ रहा हूं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आप जो नीच पकड़ के वीडियो बना रहे हो, उस नीच के ऊपर आपको काम करते रहना है। पीछे मुड़के मत देखो कि भाई आपको क्या हो रहा है, आपको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। इन सब चीजों को पहली स्टेज में पूरी तरीके से दिमाग से निकाल, बस काम करते रहो, काम करते रहो। 6 महीना से 8 महीना अगर आप रेगुलर वीडियो अपलोड करोगे, वैल्यूएबल कंटेंट बनाओगे, जो कंटेंट यूट्यूब के ऊपर बहुत मात्रा में कम है, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बताए हैं, ऐसे कंटेंट अगर आप बनाते हो तो 100% भाई आप इस वीडियो के आके कमेंट करोगे। मैंने खुद अपने 5-6 चैनल मोनेटाइज कर लिए, 5-6, 1-2 नहीं, और मैंने किसी को भी आज तक नहीं बोला कि भाई मेरा चैनल प्रमोशन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, या फिर किसी को पैसे नहीं दिया मोनेटाइजेशन के लिए, कुछ नहीं किया। मैंने जितना भी किया खुद किया। और एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, आज मेरा 7 साल पूरा हुए हैं, आज 7 साल के बाद इतने सारे काम मैंने किए। तो आप भी ये सारे चीज कर सकते हो, भले ही आपको एक एक चैनल के जरिए लोग नहीं पहचानेंगे, लेकिन उसके ऊपर व्यूज आएंगे, आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अगर आपके पास पैसा होगा, उसके बाद आप अच्छा खासा कैमरा, अच्छा खासा माइक्रोफोन, अच्छा खासा कंप्यूटर, मोबाइल, सारे चीज ले सकते हैं, उसके बाद आप अच्छा खासा कंटेंट भी प्रेजेंट कर पाओगे। तो इसी वजह से इन सारे चीजों से दूर रहो। तो इसी वजह से मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे भाई सुनो, ये बात को सुनो, ये पेड जो सर्विस है, पेड मोनेटाइजेशन, पेड सब्सक्राइबर, पेड व्यूज,
प्लीज प्लीज गाइस इसके चक्कर में मत पड़ो, आप खुद कंटेंट बनाओ, क्योंकि आप पेड करके मतलब पैसा देकर एक महीना या फिर एक हफ्ता एक दिन के लिए व्यू सब्सक्राइबर सब कुछ ले लोगे, लेकिन खरीदा हुआ चीज ज्यादा दिन आपके साथ नहीं रहेंगे मेरे भाई। जो चीज आप कमाओगे खुद कमाओगे, आप जो भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओगे पूरा दुनिया भर में बहुत सारा लोग है आपके टॉपिक को देखने के लिए। तो मेक श्योर गाइस आप खुद कंटेंट बनाओ, खुद मेहनत करो, लोगों के ऊपर डिपेंड मत हो। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो तो आपको कोई भी फ्यूचर नहीं है, मुझे पता है ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा, ये कड़वा सच्चाई है। देखिए भाई ये सच है, बिल्कुल सच है। तो आज से दिमाग के अंदर से निकाल दो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, ये सब चीजें निकाल दो, बल्कि उसके जगह आप लोग ये देखो व्यूज कैसे बढ़ाए, टिप्स देखो। बहुत सारा ऐसे यूट्यूबर है जो अच्छे अच्छे टिप्स देते हैं, इस तरीके से काम करो, इस तरीके से वीडियो एडिट करो, इस तरीके से पब्लिश करो, इस तरीके से टाइटल बनाओ, थंबनेल बनाओ, इन सारे वीडियो को देखो सीखो, इससे आपका कुछ होगा। लेकिन सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए ये देखोगे तो उससे आपको कुछ नहीं होगा। जब आपके व्यूज आएंगे सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। टिप्स में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मानो आपके कोई भी वीडियो वायरल होते हैं, लाइक आपके फूड के रिलेटेड चैनल है जहां पे आप दो तीन तरीके की वीडियो डालते हो, एक खुद पकाकर मतलब खुद खाने को बनाकर अपलोड करते हो, दूसरा आप स्ट्रीट ब्लॉग करते हो, मतलब रास्ते में जाते हो वहां पे कोई ठेला या फिर कोई दुकान का फूड ब्लॉग करते हो, तीसरा आप खाना खाते हो, खाना खाके रिव्यू करते हो, मानो तीन टाइप के कंटेंट एक चैनल के ऊपर डाल रहे हो। बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना। अब इन तीन टाइप के अंदर कोई भी एक कंटेंट वायरल हो जाते हैं कोई भी एक टाइप का, तो आपको उसको पकड़ना है, उसको पकड़कर चलो तो आपके चैनल का फ्यूचर ब्राइट होगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। इस चैनल को मैंने नया बनाया, मेरा दूसरे पुराने चैनल से इंस्पायर होकर जितने भी मैंने एक्सपीरियंस इकट्ठे किए हैं उनको एज इट इज ऑनेस्टली मैं बताता हूं। तो अगर आप एक क्रिएटर है या फिर बनना चाहते हैं, मेक श्योर गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी तरीके की किसी भी तरीके की परेशानी हो रहा है, कोई भी तरीके की सवाल है, हम जरूर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट वाला वीडियो में मैंने आपको दिखाया है एक शॉर्ट्स चैनल को बनाकर आप आसानी से कैसे उसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या आपको ध्यान में रखना होगा। राइट वाला प्लेलिस्ट के ऊपर आपको यूट्यूब एनालिटिक्स के पूरा पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाले हैं। बीच वाला गोल बटन दबा के मेक श्योर गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर और एक बार हमारा जरूर मुलाकात हो।